Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of science from your final exams. So today the chapter which is going to be asked is lesson number 8, that is structure and function. पीछे जो भी आने वाले चैप्टर्स थे उसको मैंने रिविजन भी करवाया, कुछ बात के क्वेश्चन आंसर भी करवाया, टिप्स एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ऑड वंस और साइंटिफिक स्केल, तो अभी लेसन नंबर 8 का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब चूंकि 15 से एग्जाम शुरू हो रही है तो उसके बाद फिर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो फिर हमारे पास आगे पढ़ाने के लिए समय नहीं होगा, इसलिए मैं कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है, नए चैप्टर्स को शुरुआत करूंगा, क्योंकि फिर 9 चैप्टर पढ़ाना है तो फिर टाइम लगेगा। तो आज भी लेसन नंबर 8 को मैं बता रहा हूँ, तो देखिए पेज नंबर 170 एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रोसेस नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज सारे परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा है द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज राइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है करेक्ट आंसर है, 1 लाख से 5 लाख टाइम्स पढ़ा करके दिखाता है मैग्निफिकेशन पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेन, तो ऑफकोर्स बी इज द करेक्ट आंसर, क्यूशन इज नॉट ए स्टेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्मॉल नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रा राइट। फाइव, ए ग्रुप ऑफ सिग्नल सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म टिश्यू, बी इज द करेक्ट आंसर राइट। तो पेज नंबर 122 पर आइए, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द सेल चेंजेस इन अमीबा, सी इज द करेक्ट आंसर, अमीबा का शेप जो होता है वो चेंज करता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें से राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली वो आउटर कवरिंग है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो नहीं हुआ, इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। द गैसेज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियो, द जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, क्रोमोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, तो जीन्स आपको कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स सी इज द करेक्ट आंसर। द कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स आर, तो जीन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोलस इज रिच इन डीएनए, आरएनए, डीएनए फ्लूइड और प्लास्टिक राइट, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में आके देखिए आप, आरएनए क्या होगा, आरएनए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर राइट। अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, तो प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। द लोएस्ट लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज लाइफ इज सेल, सेल इज द करेक्ट आंसर। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रियम, बी, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। प्लांट सेल डज नॉट हैव, इसमें से प्लांट सेल में कौन सा नहीं होता है, तो सेल वॉल भी होता है, प्लास्टिक्स भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट टिश्यूज आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन, दो में क्या बढ़ाएगा, ऑर्गेन, एवरी सेल इज बॉन्डेड बाय, हर एक सेल जो होता है किसके द्वारा बॉन्डेड होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर, तो ये क्या होते हैं,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होगा इसमें, है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म वन और मेनी सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होगा इसमें, ठीक है। और बैक्टीरिया, अब देखिए यहां पर मैच करना है प्रोकैरियोट किसमें होगा, प्रोकैरियोट किसमें कहते हैं, जिसमें आपको जिसमें सेल आपका अच्छा प्रोकैरियोट्स में मैच करेगा, अच्छा देखिए प्रोकैरियोट जो है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी से मैच करेगा, क्रोमोसोम्स जो है आपको जीन से होगा, ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जीन, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स, यूकार्योट जो होगा डॉग होगा, ठीक है। कुछ साइंटिफिक स्किल क्वेश्चन है, द सेल ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्ची का एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, द स्टेन वी यूज टू ऑब्जर्व चीक सेल इज, चीक सेल को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा स्टेन का यूज किया जाता है, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन होगा इसमें, ठीक है, मेथिलीन ब्लू। इन द सेंटर ऑफ द सेल वी फाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। सर ये चैप्टर खत्म हुआ आपका, तो एक चैप्टर इंट्रोडक्शन इन एनिमल से उसको आप कर सकते हैं, या मैं देखूंगा आपका एग्जाम से पहले इसको भी करवा लूंगा, लेकिन कल से मैं आगे से आपको 10 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, 10 का क्वेश्चन आंसर नहीं दिया उसको दूंगा बाद में, लेकिन अब मैं आपको फोर्थ एंड प्रेशर जो है वो चैप्टर नंबर 11 वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।